हाय फ्रेंड्स, आप सभी को होली का शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी होली सबको। आज मैं बनाऊंगी फ्राई मालपुआ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाटी मैदा लिया, नारियल आधा बाटी घिस के रखा, सूजी लिया आधा बाटी, गुड़ आधा बाटी क्रश करके रखा, सौंफ लिया थोड़ा सा, थोड़ा नमक डालेगी स्वाद के लिए, और बेकिंग पाउडर 1 इंच तक डालेगी, और तेल सादा तेल लिया, तेल में फ्राई करेगी, और दूध दूध देके मैंने उसको बैटर को बनाएगी। अभी बैटर को बना लेती हूँ। तो पहले सबसे पहले मैदा डालती हूँ, सूजी, नारियल, छोटा नारियल का आधा लिया पीस के, गुड़, गुड़ को मैंने कैसर में घिस के रखा, सौंफ डाल देती हूँ, नमक एकदम थोड़ा सा स्वाद के लिए डालती हूँ। आप गुड़ का जगह में शक्कर भी दे सकता है, लेकिन हमें गुड़ दे के बनाना है। इतना सा बेकिंग पाउडर दिया 1 इंच तक, थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के देखिए बैटर को तैयार करके लिया। ऐसा इसका थिकनेस जो है ऐसा रहना चाहिए। तो अभी इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए मैं ढक के रख देती हूँ। फ्रेंड्स, 10-15 मिनट हो गया, ये देखिए अच्छा से सेट हो गया बैटर। अभी मैं बनाएगी, बेसन कर देती हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया, तेल डाल देती हूँ, तेल को थोड़ा गर्म होने देती हूँ। तेल गर्म हो गया, तो मैंने 1 चम्मच करके तेल पे दे रही हूँ मालपुआ। हो गया देखिए, तीन फ्राई करके हो गया मालपुआ। प्लेट में निकाल लेती हूँ। आपको सभी डालती हूँ मालपुआ फ्राई के लिए। ऐसा करके मैंने सभी मालपुआ बना लेती हूँ। फ्राई करके सभी मालपुआ हो गया। तो मैं ये निकाल लेती हूँ डिश में, गैस ऑफ कर देती हूँ। फ्रेंड्स, फ्राई मालपुआ बना के हो गया। आप लोग बनाइए घर पे, ज़्यादा इसमें सामान कुछ लगता नहीं, घर पे ही रहता है सब, मैदा, सूजी, गुड़ या शक्कर, आप लोगों का जो पसंद है वो देके बनाइए। और ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर देखा होगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप लोगों का फ्रेंड के साथ, और कमेंट्स कीजिए।